Hello friends, I'm Erhard Sarangi, welcoming you to Concept Cracking Zone. Today we will discuss about the classification of angles. So let's start our today's video. So, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. Angles. मैंने ये आपको पहले समझा दिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसको पहले देखिए. फिर ही आप ये सब समझ सकेंगे. So today we are going to discuss about the classification of the angles. So, classification of angles. First is the straight angle. What is straight angle? The angle formed by a half rotation of a ray. मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था वो rotation और उसके बारे में. तो वो जो होगा वो half होगा. Total rotation भी समझा दिया था और half rotation हम अभी समझ लेते हैं. अगर ये है एक ray O, if it is a ray OA, then तो मैंने समझा दिया था ये जैसे जाएगा it will rotate and the rotation will be the measurement of the rotation will be the size of the angle. So now the total will be अगर पूरा जब वो पूरा घूम जाएगा तो कितना होगा 360 होगा. तो हमने ये पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था. तो इसने बोला कि half rotation, ये तो फुल रोटेशन, फुल का आधा हो जाएगा हाफ रोटेशन. तो हाफ रोटेशन कितने डिग्री का होगा चलिए देख लेते हैं. तो फुल था हमारा 360 डिग्री, तो बाय टू करेंगे यानी हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री. तो 180 डिग्री में जब हम इसको रोटेट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल, या स्ट्रेट एंगल हो जाएगा. तो हम इसको अगर रोटेट करें तो ये कुछ ऐसा आएगा और फिर यहाँ पर ही ये इस तरह से आ जाएगा. जिस अगर हम यहाँ पर एक बी पॉइंट ले लें तो ए ओ बी इज ए स्ट्रेट एंगल, ऐसा हमें समझ में आ जाएगा. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द राइट एंगल. ये दूसरा क्लासिफिकेशन है जो एंगल्स का हमारा. सो राइट एंगल क्या है? द एंगल फॉर्म बाय ए क्वार्टर रोटेशन ऑफ द रे. क्वार्टर होगा यानी फिर से हम उस रे को ही ले लेंगे ओ ए. एंड वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो दैट अगर ये आधा आया तो ये हो जाएगा स्ट्रेट, और पर ये बोल रहे हैं कि क्वार्टर आएगा यानी 1/4 आएगा. तो ये 1/4 आएगा, तो 1/4 होगा कितना? टोटल कितना है हमारा? 360 है. तो 360 का अगर 1/4 लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री. वो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री. तो अगर हम इसे 90 डिग्री का साइज में ले आएंगे तो ये एक राइट एंगल हो जाएगा. तो हम देखते हैं कि कितने में आएगा. जब हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. अगर यहाँ पर हम बी पॉइंट लगा दें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. और 90 डिग्री के लिए हम ऐसा साइन यूज करते हैं. ये जब भी कोई एंगल 90 डिग्री में होता है हम उसे इस तरह से डिनोट करते हैं. और ये एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें इस फिगर से पता चलता है और यहाँ से भी पता चलता है. सो अपार्ट फ्रॉम आवर राइट एंगल और द स्ट्रेट एंगल वी हैव सम मोर, हमारे पास कुछ और भी है क्लासिफिकेशन, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और द रिफ्लेक्स एंगल. सो सबसे पहले हम आते हैं एक्यूट एंगल के पास. सो एक्यूट एंगल क्या है? जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, दैट मींस इट शुड बी लेस देन ए क्वार्टर. क्वार्टर मींस 90 डिग्री, दैट इज इट शुड बी लेस देन द राइट एंगल. सो टेकिंग एन एग्जांपल लाइक इट इज अ राइट एंगल, सो इट शुड बी लेस देन द राइट एंगल. इट शुड बी लेस देन द राइट एंगल. इट कैन बी बिटवीन 0 डिग्री, इट इज 0 डिग्री. ओके, ये जो एंगल है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं पर भी ये हो सकता है. तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेंगे. जैसे कि हमने यहाँ पर एक ले लिया, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि राइट एंगल तो यहाँ पर आएगा. तो ये ये एक्यूट एंगल जिस इसको हम ए बी कह देंगे. ए और बी, ये ए बी है और यहाँ पर पॉइंट ओ है और सपोज इसका मेजरमेंट 40 है जो कि लेस देन 90 है. तो अब हम आते हैं द ऑब्टूस एंगल. ऑब्टूस एंगल शुड बी द मोर देन 90 डिग्री बट इट शुड बी लेस देन 180 डिग्री. मोर देन 90 डिग्री बट इट शुड बी लेस देन
180 डिग्री, हम यहाँ पर 180 और 90 दोनों को बना देते हैं, फिर हमें समझने में आसानी होगी। तो ये ऑब्टूस एंगल यहाँ पर हमारे सब एक्यूरेट आ गए, ये सब हमारे एक्यूरेट आ गए, ये सब हमारे एक्यूरेट आ गए। अब ऑब्टूस कहाँ पे रहेगा? ऑब्टूस रहेगा 90 डिग्री से आगे पर 180 से कम, यानी इन जगहों में ऑब्टूस रहेगा, इन जगहों में। सो एनी एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज ए ऑब्टूस एंगल। सो एग्जांपल ऑफ द ऑब्टूस एंगल कैन बी दिस, सपोज इट इज 150, सो इट कैन बी ए ऑब्टूस एंगल ओ, सपोज इट इज मेजर इज 130 डिग्री, ओके, सो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट इट इज लेस देन 180 डिग्री। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल वो होता है 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये क्या है, ये क्या है। अब हम इसी फिगर को एक और बार ले लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर सारे हमारे एक्यूरेट आ गए, यहाँ पर सारे हमारे ऑब्टूस आ गए। अब बाकी जितना बचा, ये जो बाकी सब बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सारा रिफ्लेक्स एंगल, यानी मोर देन 180 डिग्री। ये सभी है, यानी ये नीचे वाले सब कुछ और हमारे जो रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएंगे। रिफ्लेक्स एंगल का एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि हम इसे एक रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हैं, जो कि है, अगर मान लो ये होगा कितना 180 या फिर ये होगा अगर 200 डिग्री, ओके, तो पहले इसको लेबल कर लेते हैं, लाइक ए, इट इज ए एंड इट इज बी एंड इट इज, सो मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज लाइक 200 डिग्री, ओके। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्स एंगल को भी जान लिए हैं। इनके अलावा भी एक और है, उसका नाम है कंप्लीट एंगल। वो कंप्लीट एंगल क्या है ना, 360 डिग्री, वो कंप्लीट हो जाता है, तो 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं, यानी यहाँ से शुरू होगा और फिर घूम कर यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, उसको एक कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर ही हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के वीडियो को खत्म कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्रैकिंग जोन को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं मैथ्स के, तो देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।